हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है ये PISFG हाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप लोग की जो हेड कांस्टेबल और SI की जो वैकेंसी निकली हुई है मीन्स मैं आप लोगों को बता दूं इसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जी हाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है बट ये जो वैकेंसी निकलने वाली है और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मतलब बहुत से चैनलों ने इसे पहले से दिखाना शुरू कर दिया तो बहुत परेशान है कि सर ये वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है कैसी वैकेंसी है फेक है क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसलिए मैं इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को नहीं बता रहा था। बट ये वैकेंसी क्या है कैसी है और वैकेंसी निकलने वाली है नहीं निकलने वाली क्या क्या पोस्ट है कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता ठीक है और जो पोस्ट बताई जा रही है 317 पोस्ट है या नहीं है किस तरह और यदि है तो कैसे अप्लाई करना है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में दूंगा ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है वीडियो लास्ट तक देखिएगा धैर्य से सुनिएगा ठीक है। किसके लिए वैकेंसी है कैसी है सारी डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है ये नोटिस है ठीक है नोटिस है कोई नोटिफिकेशन नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो है उसकी वेबसाइट पे इसे नहीं डाला गया ठीक है। तो जब तक वेबसाइट पे ना आए तो कोई भी चीज ट्रू नहीं होती ठीक है जब तक वेबसाइट पे वो नोटिफिकेशन ना जाए। बट मैं आप लोगों को बता दूं यदि आप लोग मेरे पे विश्वास करते तो ये जो वैकेंसी है ये रियल है। जी हाँ ये वैकेंसी जो है आप लोगों की वेबसाइट पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट पे आने वाली है ठीक है आएगी बट अभी टाइम लगेगा। लेकिन इसका जो ये प्रिंट आउट है ये इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज का जी हाँ इसका जो नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज आएगा इसमें आप लोगों को ये भर्ती दिखाई दे जाएगी ठीक है। तो ये ओनली और ओनली जो प्रिंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज का जो प्रिंट होता है उसकी ये फोटोकॉपी है ठीक है जो कि सारी तरफ सारे यूट्यूब चैनलों पर फैला हुआ है ठीक है। अभी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं लेकिन ये तय है कि ये जो है आप लोग के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट पे आएगी वैकेंसी निकलने वाली है ठीक है। वैकेंसी कौन सी है तो आप लोग देख सकते हैं SI की इसमें वैकेंसी होगी हेड कांस्टेबल की इसमें वैकेंसी होगी ठीक है। तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि बहुत से चैनलों पर ये चल रहा है कि हाई स्कूल वाले भर सकते हैं इंटर वाले भर सकते हैं कैसे भर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी पूरी डिटेल दे सकता हूँ ये वैकेंसी किसके लिए है किसके लिए नहीं है ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए कुछ पोस्ट है जैसे SI की कुछ पोस्ट है मास्टर इंजीनियर ड्राइवर वर्कशॉप ठीक है। तो जैसे SI की ये पोस्ट है इसमें जो है आप लोग 10+2 यानी कि यदि आप लोग इंटर हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप लोगों के पास इसके साथ एक डिग्री होनी चाहिए ठीक है एक सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए जो कि सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशू बाई सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ मैट्रिकुलेट मैरीन डिपार्टमेंट ठीक है मैरीन डिपार्टमेंट के थ्रू आप लोगों को ये जो है सर्टिफिकेट मिला होगा। तो यदि आप लोगों ने यहाँ पे कोर्स किया होगा तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वरना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते ये पोस्ट आपके लिए बेकार है। इसके बाद बारी आती है इंडियन ड्राइवर की इसमें भी 10+2 है बट इसमें भी आप लोगों को जो है फर्स्ट क्लास इंडियन ड्राइवर सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए जो कि सेंट्रल या स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा आप लोगों को दिया गया हो ठीक है। तो यदि ये सर्टिफिकेट आप लोग के पास है तभी आप इसके लिए अप्लाई सकते हैं ये भी पोस्ट बेकार है आप लोगों के लिए ठीक है। इसके बाद बारी आती है आप लोगों की SI वर्कशॉप तो SI वर्कशॉप ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें कौन अप्लाई कर सकता है इसमें यदि आप लोगों ने बैचलर डिग्री यानी कि BTech कर रखी है आप लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप लोगों ने 3 ईयर डिप्लोमा भी कर रखा है मैकेनिकल और मैरीन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी डिप्लोमा धारकों और BTech वालों के लिए ये वाली पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वो इसके लिए जरूर अप्लाई करें एज इसमें 20 से 25 साल रखी गई है ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ इसमें आप लोगों को हेड कांस्टेबल मास्टर की है ठीक है इसमें आप लोगों को हाई स्कूल मांगा गया लेकिन इसके अलावा सेरेंस सर्टिफिकेट भी आप लोग को चाहिए तो ये सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास नहीं होगा तो ये पोस्ट भी आप लोगों के लिए बेकार है ठीक है। इसके बाद बारी आती है HC इंडियन ड्राइवर तो इसके लिए भी आप लोगों को हाई स्कूल प्लस सेकेंड क्लास इंडियन ड्राइवर सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए तो ये वैकेंसी भी आप लोगों के लिए बेकार है। अब इसके बाद जो वैकेंसी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है इसे ध्यान से सुनेगा ये है आप लोगों के लिए हेड कांस्टेबल वर्कशॉप ट्रेड यानी कि वर्कशॉप के लिए है ठीक है। इसमें आप लोगों को हाई स्कूल प्लस ITI जी हाँ यदि आप लोगों ने हाई स्कूल प्लस ITI कर रखी है तो आप ये वैकेंसियां भर सकते हैं जैसे ये मशीनिस्ट की हो गई ठीक है इलेक्ट्रीशियन की हो गई AC की हो गई
तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए है। यदि आप लोगों ने हाई स्कूल प्लस आईटीआई कर रखी है मोटर मैकेनिक में, डीजल में, पेट्रोल इंजन में, मशीनिस्ट में, कारपेंटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एयर कंडीशनर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्लम्बिंग वगैरह में, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे। तो हाई स्कूल और आईटीआई यदि आप लोगों ने कर रखी है तो ये कुछ पोस्टें आप लोगों के लिए हैं यहाँ पे, मशीन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, एसी की, ठीक है, तो ये पोस्टें आप लोगों के लिए है। इसके अलावा जो सिटी क्रू, ठीक है, ये पोस्ट आप लोगों के लिए है यदि आप लोगों ने हाई स्कूल कर रखी है, प्लस आप लोगों के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्विमिंग आप लोगों को आनी चाहिए, तो ये भी पोस्ट आप लोगों के लिए बेकार है, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोगों ने यदि हाई स्कूल प्लस आईटीआई कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तब भी ये फॉर्म आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ओनली हाई स्कूल या ओनली इंटरमीडिएट आप लोगों ने कर रखा है तो ये फॉर्म आप लोग नहीं भर सकते, ठीक है। अब पूरी मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है, इसमें आप नीचे आते हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मुझे लगता है इसके नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो इसके 30 दिन तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज जारी होने के 30 दिन बाद तक, यानी कि 15 फरवरी को इसके एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा, तो 30 दिन बाद यानी कि आप लोग 15 मार्च तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फीस वगैरह दे सकती है पोस्टल ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू 200 रुपये आप लोग को देने हैं, ठीक है, एसआई पोस्ट के लिए, और 100 रुपये आप लोग को देने हैं हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप के लिए, ठीक है। ये आप लोग देख लेंगे, जैसी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा। और इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा, ठीक है, फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। तो यदि आप लोगों ने भी हाई स्कूल आईटीआई कर रखी है या फिर डिप्लोमा या बीटेक कर रखी है और यदि आप लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फॉर्म फिलअप करके आप लोग को पूरी जानकारी इसकी दे दूंगा, ठीक है। तो ये पूरी वैकेंसी है जिसकी बहुत, मतलब कई चैनलों पर जिसके बारे में बताया जा रहा था और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि सर ये क्या है, कैसे है, सच में है या नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, वैकेंसी आएगी, ठीक है। यदि आप लोगों के लिए है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ, पूरी हेल्प करूंगा। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना यदि वीडियो पसंद आया हो तो, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं तुरंत आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।